हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रोटेड थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द लास्ट सेडक्शन, जिसे डायरेक्ट किया था जॉन डेल ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार। इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी वाइफ को जो अपने हस्बैंड का पैसा चुराकर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मारना चाहती है। आगे इनकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये हमें वीडियो में पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हम क्ले नाम के बंदे को देखते हैं, जो अपनी डील करने के लिए एक सुनसान सी जगह पर आया होता है। वो एक डॉक्टर है और उसने फार्मेसी से बहुत सारे ड्रग चुरा लिए थे, जिसकी डील करने के लिए वो आया था। फिर वहाँ पर गैंगस्टर आके उससे ड्रग्स ले लेते हैं और उसकी तरफ गन तान देते हैं, जिससे उसे लगता है वो उसे पैसे नहीं देंगे और उसे मार डालेंगे। लेकिन वो लोग पैसे वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, जिसे देख कर क्ले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो 70,000 थे, जिससे उसकी वाइफ और उसकी ज़िंदगी सवर जाएगी। क्ले की वाइफ का नाम ब्रिजेट होता है। ब्रिजेट एक सेल्स कंपनी में मैनेजर थी, जो घर पर क्ले का इंतज़ार कर रही थी। जब क्ले घर पर पहुंचा तब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसने सारे पैसे अपनी शर्ट के अंदर रखे हुए थे। जब वो इन्हें बाहर निकाल रहा था, तब ब्रिजेट कहती है, तुम बहुत ही बड़े ईडियट हो, जिसे सुनकर क्ले को गुस्सा आ जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर तुरंत ही उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो उसे सॉरी कहता है। वो कहता है, वो लोग बहुत ही डेंजर थे, जिसकी वजह से मैं अभी तक शॉक में हूँ, जिसे सुनकर ब्रिजेट मान जाती है। और वो कहती है, इन पैसों को हमें सही जगह रखना चाहिए। जब क्ले शावर लेने जाता है, तब ब्रिजेट उसके लिए एक लेटर लिखकर सारे पैसे लेकर भाग जाती है। जब क्ले शावर लेकर बाहर आता है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। ब्रिजेट ने प्लान बनाया था कि वो अपनी सिस्टर के टाउन में जाकर रहेगी, लेकिन उसे काफ़ी लेट हो गया था। वो एक छोटे से टाउन में पहुँचती है और एक बार में जाती है। वहाँ हमें माइक नाम का बंदा दिखाई देता है, जिसका कुछ ही टाइम पहले डिवोर्स हुआ था और अब वो इस टाउन में रहता है। लेकिन ये टाउन उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपने फ्रेंड के साथ होता है। कुछ टाइम के बाद वो ब्रिजेट को देखता है। ब्रिजेट वहाँ जाकर ड्रिंक मांगती है, लेकिन बारटेंडर पूरी तरह उसे इग्नोर करता है। फिर माइक वहाँ उठकर जाता है और बारटेंडर से प्लीज़ कहता है, क्योंकि इस टाउन में हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है। इसलिए ब्रिजेट के रूडली ड्रिंक मांगने पर बारटेंडर ने उसे इग्नोर किया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट हो गई थी। फिर माइक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहती है। ब्रिजेट उससे कहती है, तुम जैसे काउबॉय में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। माइक उसे डायरेक्टली कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। फिर इसके बाद ब्रिजेट उसे अपने पास बैठा लेती है और वहीं पर वो उसे सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद वो दोनों माइक के घर जाकर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह ब्रिजेट माइक के घर से लॉयर को फ़ोन करती है और लॉयर को सारी सिचुएशन बताती है कि वो अपने हस्बैंड से पैसे चुरा कर भाग आई है और वो उसे स्पेंड करने हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा। लॉयर कहता है, तुम उसे डिवोर्स ले लो, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो पूछती है, इसमें कितना समय लगेगा। लॉयर कहता है, इसमें 2 साल तक लग सकते हैं, लेकिन ब्रिजेट के पास इतना टाइम नहीं था। लॉयर कहता है, सब कुछ फास्ट होगा तो 6 महीने में तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा। वो उसे एडवाइस देता है, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता, तब तक तुम किसी सेफ जगह रहना, जहाँ तुम्हारे हस्बैंड को शक ना हो। इसका मतलब वो अपनी सिस्टर के यहाँ जाने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं जा सकती। तब वो डिसाइड करती है उसके लिए इसी टाउन में रहना ठीक होगा। इसके बाद हम देखते हैं, वो माइक को बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। फिर उसे एक न्यूज़पेपर से जॉब के बारे में पता चलता है। जब वो वहाँ जाकर इंटरव्यू देती है और जॉब मिलने के बाद वो इंटरव्यूअर से कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, इसलिए मैंने अपना नाम बदल दिया है। कंपनी में वो अपना अलग नाम रखेगी, जिससे उसका हस्बैंड उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वो न्यूयॉर्क को उल्टा करके अपना नाम ब्रैंडी क्रॉय रखती है। फिर इसी ऑफिस में उसे माइक मिलता है, लेकिन वो माइक से कोई परेशानी नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। फिर वो अपने लॉयर को फ़ोन करती है और लॉयर उसे कहता है, मैंने क्ले को सारे पेपर भेज दिए हैं, लेकिन वो बहुत ही गुस्सा था, तुम्हें उसे शांत करना चाहिए। वो उसे एडवाइस देता है कि डायरेक्टली अपनी लोकेशन से कॉल मत करना, वो तुम्हें ट्रेस कर सकता है। ब्रिजेट को लगता है क्ले इतना स्मार्ट नहीं है और वो डायरेक्टली क्ले को कॉल करती है। क्ले ऑपरेटर से पूछता है कि ये कॉल कहाँ से आया है। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। रात को वो एक बार में जाती है, फिर से वो माइक से मिलती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस तरीके से इन दोनों का मिलना कंटिन्यू हो जाता है और माइक कहता है, मुझे ये सब गलत लगता है। वो कहता है, हम दोनों का रिलेशन सिर्फ इंटीमेट होने तक का है, आखिर तुम ऐसा करती क्यों हो। ब्रिजेट कहती है, मैं पहले से ही प्यार में बहुत हर्ट हो चुकी हूँ और नहीं होना चाहती। मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार में पड़ जाऊँगी, जिसे सुनकर माइक सीरियस हो जाता है। लेकिन तभी ब्रिजेट हंस देती है और कहती है, हमारी रिलेशन जैसी है उसे वैसे ही चलने दो। माइक कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर ब्रिजेट फील क्या करती है। माइक कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में चीज़ें जाननी है। उसे फ़ोन बिल से पता चल जाता है।
ब्रिजेट न्यूयॉर्क से है। अगले दिन वो फिर से क्ले को कॉल करती है। क्ले इसे भी ट्रेस करवा रहा होता है। तभी वो कहती है, मुझे नीचे के पब्लिक फ़ोन का नंबर दो, वही मैं कॉल करती हूँ। क्ले कहता है, हमारे ऊपर 100,000 का लोन है और हर वीक इन्हें 10,000 का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि उन्होंने एक गुंडे से लिया था। ब्रिजेट कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे लोन के पैसे दे दूंगी, लेकिन वो इसके बदले में उससे डिवोर्स चाहती थी। क्ले इस बात को मानता नहीं है। फिर अचानक से घर के फ़ोन बजने लगते हैं, जिससे ब्रिजेट समझ गई क्ले उसकी कॉल को ट्रेस कर रहा है और वो कॉल कट कर देती है। फिर वो तुरंत अपने लॉयर को कॉल करती है और वो उसे कहती है, मेरी लोकेशन ट्रेस हो चुकी होगी। लॉयर कहता है, शायद तुम्हारा एरिया कोड उसे पता चल गया होगा, लेकिन उस एरिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, वो तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, तुम जहाँ हो वहीं रहो। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिजेट माइक के साथ इंटीमेट तो होती है, लेकिन वो ऑफिस में उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। माइक उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो जोर से चिल्लाकर उसे थप्पड़ मार देती है। अगले सीन में माइक अपने डिटेक्टिव से कहता है, उस एरिया कोड में जाकर वो ब्रिजेट को ढूंढेगा। डिटेक्टिव उससे कहता है, वहाँ जाकर उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। क्ले को पता था कि ब्रिजेट हमेशा नामों को उल्टा कर देती है और उसे उसके ब्रैंडिकॉय नाम के बारे में पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं ब्रिजेट और माइक बार में होते हैं, तब माइक उस पर गुस्सा होता है। फिर ब्रिजेट उसे सॉरी कहती है। माइक उसे कहता है, प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम इस टाउन में क्यों आई हो। तब ब्रिजेट उसे सच बता रही होती है, लेकिन माइक उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो। वो कहता है, लास्ट टाइम मैं अपना इंश्योरेंस सेटल करने के लिए एक लेडी के पास गया था, उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था। तब उसने अपनी सारी स्टोरी मुझे बताई और अपना दिल हल्का किया। तुम भी मुझे सब कुछ बता सकती हो। माइक में एक टैलेंट था, वो क्रेडिट कार्ड को चेक करके सारी डिटेल्स बता सकता था। तब ब्रिजेट उसे अपने ऑफिस में लाती है और उसे कहती है, तुम उन लोगों की डिटेल्स निकालो जो अपनी वाइफ को चीट कर रहे हों, उनका इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। माइक ब्रिजेट से कहता है, ये सब क्यों? तब ब्रिजेट कहती है, मैं उनकी वाइफ को बता दूंगी कि उनका हस्बैंड उन पर चीट कर रहा है, इसके बाद मैं उन्हें ऑफर दूंगी अपने हस्बैंड को मारने के लिए। माइक को ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ब्रिजेट ने ये करके दिखाया। फ़ोन के लास्ट में वो कह देती है, ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ब्रिजेट के घर में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। माइक को ये अच्छा लगा था, क्योंकि ब्रिजेट इससे पहले कभी भी माइक को अपने घर पर लेकर नहीं आई थी। ब्रिजेट माइक से पूछती है, तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ क्या हुआ? वो कहता है, उसने मुझ पर चीट किया था। ब्रिजेट उससे पूछती है, तुमने मुझे चूज़ क्यों किया? मुझ में ऐसा स्पेशल क्या है? माइक कहता है, तुम न्यूयॉर्क से हो और तुमने भी मुझे चूज़ किया। मुझे हमेशा से पता है मैं इस छोटे टाउन के लिए नहीं बना हूँ, उसे बड़ी सिटी में रहना था। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव ब्रिजेट को ढूंढते हुए उस टाउन में पहुंच चुका है। अगली रात जब ब्रिजेट माइक के साथ होती है, तब वो कहती है, मैंने एक और सेल किया, मतलब उसे एक और हस्बैंड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। माइक कहता है, ये सब गलत है और मैं इस सबसे दूर रहना चाहता हूँ। ब्रिजेट कहती है, मुझे इस काम में तुम्हारी हेल्प लगेगी। माइक फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। माइक के जाने के बाद डिटेक्टिव ब्रिजेट के पास पहुँच जाता है। वो उस पर गन तानकर पैसों के पास ले जाने के लिए कहता है। फिर ब्रिजेट उसे बैंक ले जा रही होती है और वो उससे बात करके उसे सेड्यूस करने लगती है। जब डिटेक्टिव ब्रिजेट के साथ इंटीमेट होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलता है, तब ब्रिजेट गाड़ी घुमा देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डिटेक्टिव की तो मौत हो जाती है, लेकिन ब्रिजेट इस एक्सीडेंट में बच जाती है। हॉस्पिटल में उसे मिलने माइक आता है। ब्रिजेट फिर उससे मर्डर के बारे में बात करने लगती है और वो उसे समझाती है कि बहुत सारे सोल्जर एक दूसरे को मारते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसे ब्रिजेट के साथ रहना है तो उसे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ब्रिजेट के घर आने के बाद क्ले का कॉल आता है। वो कहता है, अब तुम्हारे पीछे एक और डिटेक्टिव है। ये डिटेक्टिव ब्रिजेट के घर के सामने होता है। फिर ब्रिजेट उससे कहती है, मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे सब कुछ सेटल करके दे दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिजेट उस डिटेक्टिव के पास कुछ कुकीज़ लेकर जाती है। इसी बहाने वो उसकी गाड़ी के नीचे कुछ कीले डाल देती है। फिर वो टैक्सी लेती है और डिटेक्टिव उसका पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है, तब उसका टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद ब्रिजेट एक टाउन में जाकर एक लड़की से मिलती है, जो माइक की एक्स वाइफ होती है। फिर हम रात को देखते हैं माइक अपने फ्रेंड के साथ होता है। उसका एक फ्रेंड कहता है, ब्रिजेट ने मुझसे बात की थी, वो तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती थी, उसने कुछ बताया नहीं था। फ्रेंड मजाक में कहता है, वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी। माइक इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने फ्रेंड को बहुत मारता है। माइक ब्रिजेट को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। फिर वो उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से तुम कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखाती हो, तुमने अभी तक मुझे आई लव यू नहीं कहा। दूसरी तरफ हम ब्रिजेट को देखते हैं, वो अपना नोटपैड लेकर आई लव यू माइक लिखती है। उसे पता होता है रात को माइक उसके घर पर आ जाएगा।
वो अपने घर में ही छुप जाती है। जब माइक वहाँ पर आता है तब वो इधर उधर देखता है और उसे नोटपैड मिलता है जिसमें लिखा था वो माइक को प्यार करती है। ब्रिजेट उसे मैनिपुलेट कर रही थी। अगले दिन वो फिर से आता है तब वो उसे मिलती है। ब्रिजेट ने उससे कहा होता है कि मैं वीकेंड के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ, लेकिन वो गई नहीं होती है। इस बात से माइक सरप्राइज होता है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी। तब वो कहती है कि मैं एक हस्बैंड को मारने के लिए गई थी। उसे मारने के बाद मुझे बहुत सारे पैसे भी मिले। जो पैसे उसने किले से चुराए होते हैं वो पैसे माइक को दिखा देती है। फिर वो गुस्से में माइक को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन माइक तो ब्रिजेट के प्यार में अंधा हो चुका था। अगले दिन वो फिर से आता है और कहता है मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ब्रिजेट कहती है इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही कमिटमेंट दिखा रही हूँ, अगर तुम भी कमिटमेंट दिखाओ तो हमेशा हम एक साथ रहेंगे। वो माइक को एक मर्डर करने के लिए कहती है और ये आदमी क्ले होता है। वो कहती है क्ले अपनी वाइफ को बहुत मारता है, इसी वजह से वो उसे मारना चाहती है। ब्रिजेट माइक को सब इंस्ट्रक्शन देती है कि जब तुम जाओगे तो क्ले का मुंह बंद कर देना, उसे कुछ भी बोलने मत देना और पूरा घर डिस्ट्रॉय कर देना जिससे सबको ऐसा लगे कि तुम वहाँ चोरी करने के लिए गए थे। माइक फिर न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वो क्ले के घर में घुसकर उस पर बंदूक तानकर उसके हाथ पैर बांध देता है। वो उसका मुंह भी बांध देता है। माइक बहुत नर्वस हो रहा होता है इसलिए वो गुस्से में ब्रिजेट का नाम ले लेता है और वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर क्ले जल्दी से उठकर उसे अपनी और ब्रिजेट की फ़ोटो दिखाता है जिसे देखकर माइक उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। फिर क्ले उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही है, वो शायद अब तुम पर नज़र रख रही होगी और जब तुम मुझे मार डालोगे तब वो पुलिस को कॉल कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं नीचे से ब्रिजेट सच में सब कुछ देख रही होती है। फिर माइक और क्ले मिलकर घर के लाइट्स बंद कर देते हैं। जब वो घर पर आती है तब उन लोगों का सामना होता है। क्ले ब्रिजेट से कहता है तुमने हद पार कर दी है और तुम्हारे धोखा देने के बाद भी हम एक मैरिड कपल रह सकते थे, मैं तुम्हें माफ़ कर देता। फिर ब्रिजेट क्ले के पास जाती है और उसके मुंह पर पॉइजन स्प्रे कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर माइक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तब ब्रिजेट उसे सेड्यूस करने लगती है, वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। माइक उसे मना करता है। हमने इससे पहले देखा था कि ब्रिजेट माइक की एक्स वाइफ से मिलकर आई थी जिससे उसे पता चला था कि माइक ने अपनी वाइफ पर चीट किया था, वो भी एक आदमी के साथ। माइक ने जब रियलाइज़ किया कि वो एक गे है तब वो डिस्टर्ब हो गया था और वो अपनी वाइफ को छोड़कर फिर से टाउन में वापस आ गया था। ब्रिजेट उससे कहती है तुम्हारी एक्स वाइफ से मुझे पता चला है कि तुम नामर्द हो। माइक गुस्सा हो जाता है और यहीं उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होते टाइम ब्रिजेट पुलिस को कॉल कर देती है। वो इस कॉल पर नाटक करती है कि माइक उसका रेप कर रहा है। पुलिस वो कॉल ट्रेस करती है और जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद हम माइक को डायरेक्ट जेल में देखते हैं और वो अपने लॉयर से बात कर रहा होता है। जो भी जैसे भी हुआ वो अपने लॉयर को सारी बात बता देता है, लेकिन लॉयर कहता है तुम्हारे पास ब्रिजेट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। जो भी थोड़े बहुत सबूत थे वो ब्रिजेट ने मिटा दिए थे। इसके बाद हम ब्रिजेट को सारे पैसे लेकर इंजॉय करते हुए देखते हैं। ब्रिजेट ने ऐसा खेल खेला कि सबको लगा माइक उसके घर पर चोरी करने के लिए गया था और उसने क्ले को मार डाला और ब्रिजेट के साथ रेप किया। अब ब्रिजेट की जगह माइक जेल में था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।